सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने वाले पीएम के जन्म दिवस पर दूसरे दिन नौनिहालों को पिलाई गई पोलियो की दो बूंद। खबर भदोही संवाददाता एके फारूकी के साथ नितेश श्रीवास्तव द्वारा की गई रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कारण लगातार दो वर्षों से बंद चल रहा पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान आज 18 सितंबर दिन रविवार से शुरू हुआ। पहले दिन जिला चिकित्सालय चेत सिंह बूथ पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मदरसा अरबिया नजीबुल उलूम की 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कतारबद्ध कर चिकित्सकों द्वारा पोलियो की बूंद पिलाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर चलने वाले दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सर्वप्रथम भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। तत्पश्चात मौके पर मौजूद मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष कुमार चक ने भी बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाई। इस मौके पर मदरसा अरबिया नजीबुल उलूम के प्रबंधक डॉक्टर जहीर हसन खान ने भी बच्चों को पोलियो की पिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। पोलियो की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने कहा, आज का विशेष पोलियो अभियान हमारे 50 जिलों में शुरू किया जा रहा है हमारे प्रदेश के, और उसमें हमारा जिला भी शामिल है। आज शुरुआत हो रही दूसरी है और अगले 23 तक ये हाउस टू हाउस कार्यक्रम चलेगा। आज के बाद प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे सभी हम तक पहुँचो जाए और कोई बच्चा पोलियो से छूटे। विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अभिभावक अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद खुराक जिम्मेदारी पूर्वक पिला दें तो जीवन पर्यंत उस बच्चे को पोलियो की समस्या नहीं होगी। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मोदी जी के जन्म दिवस के दूसरे दिन खुले रहे सभी सरकारी अस्पताल, जगह जगह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। खबर भदोही संवाददाता एके फारूकी के साथ नितेश श्रीवास्तव द्वारा की गई रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी भदोही के सांसद रमेश बिंद तथा ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे द्वारा संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में दूसरे दिन रविवार को जिला चिकित्सालय चेत सिंह में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का शुभारम्भ फीता काट कर किया गया। इस मौके पर सांसद श्री बिंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मना रही है। आज स्वास्थ्य शिविर में जरूरतमंद रोगियों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच, उचित सलाह और दवा का वितरण किया जाएगा। कहा कि सेवा समर्पण कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 108 जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में भाजपा पार्टी द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के चलते रविवार को जनपद के सभी सरकारी अस्पताल खुले रखने का निर्देश जारी किया गया है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वही लोगों से अपील भी किया गया कि जनता के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने उपचार के लिए स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। आज जैसा कि सबको पता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का ये दूसरा दिन है और सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम ये चलेगा 2 अक्टूबर तक। कल ब्लड डोनेट का कार्यक्रम था, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ साथ कई जगह पे सार्वजनिक स्थल पे ब्लड डोनेट करने का काम हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तरफ से ये कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम रहा है। आज दूसरा दिन स्वास्थ्य मेला का है। आज जिले में हर एक पीएससी सीएससी हर एक यहाँ पे हॉस्पिटल पे स्वास्थ्य मेला का कार्यक्रम है। पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।